नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। धनतेरस का दिन सुख समृद्धि पाने का दिन है। इस दिन कुछ खास चीजों की खरीदारी करने से पूरे साल घर में बरकत रहती है, लेकिन इस दिन कुछ काम करने की सख्त मनाही भी की गई है, वरना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। लिहाजा अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो धनतेरस यानी 2 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन ये गलतियां ना करें। साथ ही इस दिन सोना चांदी तांबा पीतल की ही खरीदारी करें। इसके साथ घर गाड़ी झाड़ू धनिया के बीज और खरीदी करना भी शुभ होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी में भगवान गणेश की फोटो वाला सोने या चांदी का सिक्का खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन क्या काम नहीं करने चाहिए। धनतेरस के दिन ना तो किसी को उधार दे और ना ही किसी से उधार ले। इस दिन उधार लेने और देने वाले लोगों दोनों ही लोगों को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। धनतेरस के दिन स्टील, कांच या प्लास्टिक की चीजें या बर्तन ना खरीदें। यह राहु और शनि के संबंधित होते हैं और धनतेरस के दिन इनकी खरीदी करना दुर्भाग्य को बुलावा देना है। यदि सोने, चांदी, तांबा, पीतल के बर्तन भी खरीदे तो घर में लाते समय उनमें मिठाई, चावल आदि भर ले। धनतेरस के दिन घर में खाली बर्तन लाना अशुभ होता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर, माँ लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और यमराज की पूजा की जाती है, लेकिन याद रखें कि कांच या प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों की पूजा ना करें। धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने गलती से भी जूते चप्पल ना रखें। सुबह से ही घर के दरवाजे और सामने की जगह को धोकर साफ कर दें। धनतेरस और दिवाली को दिन के समय गलती से भी सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आती है। धनतेरस के दिन चाकू, कैंची जैसी कोई नुकीली चीजों का इस्तेमाल भी ना करें और ना ही खरीदें। ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट कर जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।